Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे हो and safe हो. So in today's video we are going to talk about जैसे कि मेरे को comments आए थे कि आप इस बारे में video बनाओ. तो this video is all about salary in Sweden, कितना save होता है and what is the tax system. So let's get started. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सैलरी. तो हम लोग जब भी अब्रॉड जाने का सोचते हैं या फिर किसी को बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं फॉरेन में काम करने के लिए, तो माइंड सेट दैट पीपल हैव कि ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे और बहुत ज़्यादा सेविंग्स हो जाएगी. बट येस, दैट्स ट्रू. इंडिया के हिसाब से आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, बट कितनी सैलरी मिलेगी उतना, मतलब सैलरी इज़ नॉट अबाउट द टोटल पैकेज और द टोटल CTC. इट्स ऑल अबाउट लाइक कितना तुम टेक होम ले रहे हो. So that is, I think, more important to know. So, जैसे कि स्वीडन में IT फील्ड में I'll say that it's between 30,000 to 50,000 and depends on your skill set and your years of experience. So 30,000 SC के से 50,000 SC होता है आपका average salary for an IT engineer. This is before tax. So on top of that amount you have to pay a very high tax. Sweden is like one of the countries where the tax is sky high. It is like the top in the world. So आप कितना save कर सकते हो, 30,000 अगर आपकी salary हो 30,000 ऐसी के, तो उसमें से आप कितना save कर सकते हो, let's talk about it. Sweden में if you are staying here like in Gothenburg or you are staying in Stockholm, obviously salary थोड़ी बहुत vary करेगी क्योंकि Stockholm में cost of living is like 11% more. मतलब गूगल में मैंने देखा था कि इट इज़ लाइक वॉट एवर अमाउंट यू आर स्पेंडिंग हियर इन गोथेनबर्ग इन स्टॉकहोम इट इज़ 11% मोर. सो वहाँ पे थोड़ी सैलरी आपको ज़्यादा मिल सकती है, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस. जैसे कि आपको घर रेंट ले रहे हो आप, सपोज यू आर रेंटिंग ओनली योर रूम, यू हैव टू पे लाइक 4,500 टू 5,500 और इट गोज अप टू लाइक 6,000 और 6.5. एंड अगर आप एक घर ले रहे हो, जैसे हमने ये घर लिया एंड वी आर लाइक 4 पीपल स्टेइंग हियर, इट इज़ लाइक आई मीन वी हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ 14,000 एंड इट वॉज अनफर्निश्ड. सो हम लोग को बेड एंड सोफा TV एवरीथिंग वी हैड टू यू नो बाय व्हेन वी मूव्ड टू दिस हाउस. तो मैं एवरेज लेके चलता हूँ कि आप अगर सिंगल अर्निंग हो एंड यू आर सिंगल, देन यू हैव टू पे एटलीस्ट लाइक 4,000 और 5,000. लेट्स टेक इट 5,000 आपका मतलब रेंट में जाता है. एंड अगर आप एक कपल हो, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. इफ यू आर यू नो टेकिंग अ हाउस और अ स्टूडियो अपार्टमेंट, इट विल कॉस्ट यू लाइक 7,000 टू 10,000 12,000. देर आर हाउसेज आई नो, मेरे कुछ कोलीग्स रहते थे, दे हैड टू पे लाइक 12,000. सो लेट्स टेक इट लाइक 10,000. सो जबकि आपका 4-5,000 खर्चा हो रहा है एज अ सिंगल अर्निंग एंड अ सिंगल नो पर्सन, एंड जब आप कपल हो देन यू हैव टू पे लाइक 10,000. द नेक्स्ट थिंग इज आप ट्रैवल करते हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है, बट इवन आफ्टर दैट यू हैव टू पे एन अमाउंट लाइक इट इज़ 800 और 900 क्रोना. इट इज़ 775 बट लेट्स टेक इट 800. नाउ यू हैव टू पे 800 फॉर वन पर्सन फॉर वन मंथ, इट इज़ फ्री. एंड इफ़ यू टेक अ 3 month पास, it will cost you 2,000 or 2,100 SEK. So 800 SEK or 2,100 SEK depending on कि आप कितने month के लिए ले रहे हो. और एक चीज़ मैं यहाँ पे emphasize करना चाहूँगा कि आप अगर 800 SEK दे रहे हो एक month के लिए, it's not that कि मतलब ठीक है मैंने पैसे दे दिए हैं और I mean it's a loss. I'll tell you one thing, in Sweden the transportation system is amazing. I mean with that 800 you can go anywhere in Gothenburg. Tram में जा सकते हो, bus में जा सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे islands हैं, तो उस island में भी आप जा सकते हो with the help of a ferry and that is also included. So that's a really amazing thing. If you are paying 800 तो आपको मतलब ये चीज़ चुभेगी नहीं कि आप इतना ज़्यादा pay कर रहे हो. So that is one thing. Next is कि आप grocery वगैरह में कितना spend करते हो. आप मान के चलो you have to spend, if you are alone then you have to spend at least like 2,500 to 3,500. अच्छे खासे तरीके से अगर आप रह रहे हो, but it can be reduced like to 2,000.
सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर फैमिली कि आप किस तरह से यू नो रहना चाहते हो, कितना स्पेंड करना चाहते हो, या फिर आप ज़्यादा सेविंग्स मोड में हो. सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सो 3000 मान के चलते हैं सिंगल अर्निंग के लिए, तो रेंट हो गया था आपका 5000 और ये हो गया था 3000 एंड यू हैव टू पे लाइक 800. सो इट्स लाइक 8800. और अगर आप ऐसे हो कि आपको थोड़ा बहुत बाहर खाने का, यहाँ पे खाने के लिए कुछ है नहीं ऐसे स्ट्रीट फूड एंड ऑल जैसे इंडिया, बट अगर कभी मन हुआ कि इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खाना है या फिर यहाँ के रेस्टोरेंट में जाके खाना है, देन आई जस्ट टेक इट लाइक 8800 एंड 1200 मान के चलते हैं. तो 10,000 आपका खर्चा हो जाता है रेंट, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन मिसलेनियस एंड ग्रॉसरीज. 1000 एसी के नॉर्मली हो ही जाएगा, बट इससे कम ईजिली हो सकता है और इससे ज़्यादा तो इट डिपेंड्स ऑन यू. सो 10,000 अगर मान के चलो तो आपकी सैलरी है 30,000. 30,000 इज़ नॉट लाइक योर सैलरी दैट यू आर यू नो गेटिंग डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट. सो इट्स द सैलरी बिफोर टैक्स. लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंडिचर नाउ, देन टॉक अबाउट द टैक्स एंड देन सेविंग्स. सो 10,000 फॉर अ सिंगल पर्सन एंड यू आर अ कपल, देन यू हैव टू पे मान लो 10,000 एज अ रेंट. ओके, अगर आप एक सिंगल घर लेके रह रहे हो या फिर आप फ्रेंड्स के साथ, जैसे मैं और मेरी वाइफ रहते हैं एंड टू ऑफ माय फ्रेंड्स आर स्टेइंग, सो इट्स अ टू बेडरूम अपार्टमेंट, तो वहाँ पे थोड़ा सा रेंट कम जाएगा. बट इफ़ यू आर टेकिंग अ सिंगल, इफ़ यू आर टेकिंग अ हाउस लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट और अ सिंगल हाउस, देन यू हैव टू पे 10,000. देन आपका घर का खर्चा हो जाएगा लाइक 4,000, आपकी वाइफ और बच्चे को, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स आर देयर, तो 4,000 लेके चलते हैं, 14,000. देन आपको 1600 ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सो 15,600. एंड यू वांट टू गो सम रेस्टोरेंट और सम काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, कि शॉपिंग हो गया. मैंने सिंगल वाले में शॉपिंग ऐड भी नहीं किया था, इट डिपेंड्स ऑन यू. 15,600 एंड देन 2,000 आई कैन ऐड 17,600. सो फॉर अ सिंगल पर्सन इट इज 10,000 व्हेन यू स्पेंड, एंड फॉर अ कपल इट इज around 16,000 to 17,000. So this is not like the minimum, isse kam ho sakta hai, and this is not the maximum also. Now coming to tax, the tax amount is like very high, as I mentioned. You can also check that, like Sweden is one of the highest tax paying country. So yahan pe hum log agar salary 30,000 hai ya phir 40-50,000 hai, straight forward the tax amount is like 32% you have to pay tax. So directly employer will deduct the tax and pay it to the tax agency. So 32% tax, it's not like everywhere. In Gothenburg maybe the amount will differ from Stockholm. It depends on the municipality, region wise tax thoda different hota hai, but it's not like yahan pe 30 hai to wahan pe 60-70 aisa 40 aisa nahi hai. So 32% average maan ke chalo. So when you are paying a tax of 32% on your salary, then you think that yaar itne jyada paise main ab tax mein de raha hu, then main save kya karunga and what is the benefit that I'm getting. So I'll tell you one thing, the tax that you pay 32%, so उसके अंदर आप क्या कर रहे हो. स्वीडन में हेल्थ केयर इज़ कम्प्लीटली फ्री. व्हेन यू गो टू द हॉस्पिटल यू हैव टू पे अ बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइक 100 krona और समथिंग अराउंड दैट, एंड वंस यू पे दैट आफ्टर दैट एवरीथिंग इज़ फ्री. वट एवर टेस्ट यू डू और वट एवर मेडिसिन दे गिव यू, हॉस्पिटल में भी मेडिसिन आपको प्रोवाइड करते हैं या फिर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, बट प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू अगर आप शॉप से मेडिसिन खरीदते हो दैट इज़ ऑन यू, बट हॉस्पिटल के अंदर कुछ भी अगर खर्चा होता है ना, दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन दैट 100 krona. दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग. द मेन फोकस इज दैट द अमाउंट यू आर पेइंग फॉर टैक्स, बहुत सारे अमाउंट आपके पेंशन फंड में भी जाते हैं जो आपको बाद में मिलते हैं. सो आ गया हेल्थ केयर एंड पेंशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. सो दीज आर लाइक, आई मीन दिस इज़ वेरी एसेंशियल टू नो दैट द अमाउंट दैट यू आर पेइंग ये कहाँ जा रहा है. The amount that you pay as tax, 27% goes to education and healthcare, 5% goes to the police, and 42% will go to the social security. So education is also very important to highlight here, that if you have a valid work permit, jaise mere paas hai and meri wife ke paas bhi hai, because when you have a work permit, when you raise a dependent visa, that will also be a work permit, so you both can work. उस वर्क परमिट के अंदर द एजुकेशन इज़ फ्री. यू कैन गो लाइक इफ़ यू आर वर्किंग एंड योर वाइफ हैज़ अ वैलिड वर्क परमिट,
she can go and study in any other universities. And one more important point is, if you lose your job when you are in Sweden, then your tax up dete ho na 32%. So when you are jobless, the Swedish government will pay you some amount. And also, if you have child, they will also pay some amount for your child. So that is also a very very amazing thing that they are doing. If you want to become parent, there is provision of taking parental leave or maternity leave for like 18 months, and it's a paid thing. So that is also a very good point. No. From this, you can calculate on yourself that agar aapko itni salary mil rahi hai, aapko 32% tax agar pay kar rahe ho, and expenditure aapne jaise maine pehle bataya, so sabko deduct karke you can just come to the point ki savings kitni ho rahi hai. बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो यहाँ आके आपको महसूस होगी, जो इंडिया में है यहाँ पे नहीं है. सो मे बी आई मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट व्हाट आई मिस हियर एंड व्हाट्स द डिफरेंस. एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू डिड, देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड शेयर विथ समवन हु इज़ प्लानिंग टू कम टू स्वीडन और हु हैज़ प्लान इन फ्यूचर टू कंसिडर स्वीडन एज अ प्लेस वेयर दे वॉन्ट टू स्टडी और वर्क. So please share with them, and please leave your comment in the comment section below. What kind of videos do you want to see? So till then, bye bye.